वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ स्वाति। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द नेचुरल वॉश के कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू। सो देख लेते हैं ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और इनको यूज़ कैसे करना है, मैं आपको इनको यूज़ करके भी दिखाऊंगी। और जो भी प्रोडक्ट है उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं और ये सारे नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं, सो इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। सो चलिए देख लेते हैं इन प्रोडक्ट को मैंने कैसे यूज़ किया है और क्या क्या मैंने परचेज किया। कूपन कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो उससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मैंने मंगवाए हैं। पहला प्रोडक्ट है ये फेस वॉश, TNW द नेचुरल वॉश का, और ये ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है इसलिए मैंने ये मंगवाया है। तो इसको आप ड्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका प्राइस है 295 और इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो भी पीछे दिए हुए हैं। सो मैं इसको आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी, आगे क्लिप्स ऐड कर दूंगी। सो फर्स्ट प्रोडक्ट ये है। सेकेंड प्रोडक्ट है ये लिप बाम, काफ़ी अच्छा है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। ये आपके लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और ये है इसकी पैकिंग, ये इस तरह से ओपन होता है। इसमें एक कैप और दी हुई है, ये इस तरह से है, काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि इसको मैंने यूज़ भी किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कोकोनट ऑयल, इसको आप अपनी बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, 100% प्योर एंड नेचुरल है। ये 200 ml की क्वांटिटी है इसकी और इसका प्राइस है 335। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, डायरेक्शन ऑफ यूज़ सारा कुछ दिया हुआ है। सो एक ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये आलमंड ऑयल और ये भी 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और ये 100 ml की क्वांटिटी में है और इसका प्राइस है 560। सो ये थोड़ा कॉस्टली है बट काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट इसमें डायरेक्शन यूज़ करने का दिया है और इसको आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, हेयर्स पे भी यूज़ कर सकते हो और बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं आपको इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रोज वाटर, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको इसे आप मेकअप को भी रिमूव कर सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और इसकी क्वांटिटी है 100 ml और इसका प्राइस है 250 rupees। इसका भी यूज़ करने का सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, यूज़ करने का डायरेक्शन भी दिया है, सो आप ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये द नेचुरल वॉश का हेयर प्रोटेक्टिव पैक, नेचुरल हेयर स्पा विद एक्सोटिक इंडियन हर्ब्स। सो ये ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक है, ये ऑल स्किन टाइप है। इसको यूज़ करने का डायरेक्शन भी दिया है बट मैं इसको आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। और इसका प्राइस है 390 rupees और इसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मेंशन किए हुए हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी फेस वॉश। सो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी मैं अपने हैंड पे ले लूँगी, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो पहले मैंने अपने फेस को हल्का सा पानी से वॉश किया था, उसके बाद मैं इसको सर्कुलर मोशन में लगाऊँगी। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा मुझे इसका फ्रेग्रेंस लगा। और इसे मैं अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूँगी और मसाज करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इसको वॉश कर दूँगी थोड़े ल्यूकवॉर्म वाटर से। उसके बाद मैंने पैड ड्राई किया है एक क्लीन टॉल की हेल्प से, और उसके बाद मैं पैड ड्राई ही कर रही हूँ, रब नहीं करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी नेक्स्ट रोज़ वाटर और इसको मैं एक कॉटन पैड में लेकर ही यूज़ करूँगी क्योंकि ये स्प्रे बॉटल नहीं है। तो मैं इसको अपना 5 से 10 ड्रॉप ले लूँगी कॉटन पैड में, उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। और इस फेस वॉश से मेरा फेस काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फेस वॉश। तो उसके बाद मैं रोज़ वाटर लगाऊँगी, ये भी काफ़ी अच्छा है। सो मैं इसे अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी।
उसके बाद मैं लगाऊंगी ये आलमंड ऑयल अपने फेस पे। सो 3 से 4 ड्रॉप मैंने ले लिया है, इसको अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूंगी, देन उसको सर्कुलर मोशन में मसाज कर दूंगी। और इस ऑयल से मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेटिंग हो गई थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कोई भी ऑयल अप्लाई किया है। सो ऑयल के बाद मैंने कोई भी क्रीम नहीं अप्लाई किया था, बट ये ऑयल काफ़ी अच्छा है अपने आपके फेस के लिए भी और स्किन के लिए भी। सो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसने मेरी स्किन को मॉइस्चराइज कर दिया है फेस को। उसके बाद मैं लिप बाम यूज़ करूँगी, तो लिप बाम मैं पहले से भी यूज़ कर रही हूँ, सो ये काफ़ी अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट कर देता है। नेक्स्ट उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये हेयर पैक, और इसको यूज़ करने का तरीका है, आपको 2 स्पून जो पाउडर है उसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए, इस पाउडर को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगी, और अगर आपकी हेयर स्कैल्प जो होती है वो ड्राई अगर ऑयली है तो आपको 1 स्पून यूज़ करना है, और अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो 1 स्पून और ड्राई है तो 2 स्पून दही का यूज़ करना है। सो मेरी स्कैल्प ऑयली है तो मैं 1 स्पून यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं अपने से स्कैल्प पे लगाऊँगी, क्योंकि ये हेयर फॉल के लिए यूज़ होता है। सो ये हेयर फॉल के लिए रहता है, तो इसे हम स्कैल्प में ही लगाएंगे, रूट्स में। और उसके बाद मसाज रूट्स पे लगा के मैं इसे 2 घंटे के लिए अपने बालों पे छोड़ दूंगी। मैंने इस तरह से कैप लगा लिया है। सो गाइज, मैंने फर्स्ट वॉश में ही देखा है मेरे हेयर जो फॉल हो रहा था वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो गया है। सो ये था प्रोडक्ट का रिव्यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।